हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। विल बी स्टार्टिंग दिस वीडियो विद क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। सो ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस चैप्टर एक्सरसाइज। सो फर्स्ट सेक्शन ए, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज अ कंट्री इंगेज्ड इन डैश सिंस द एंशियंट टाइम्स। सो ऑप्शन इज वार्स, कोलोनाइजेशन, ट्रेड, एक्सप्लोरेशन। सो राइट ऑप्शन इज ट्रेड। क्वेश्चन टू, डैश इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन इज वेलेज़ली, डलहौजी, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। सो राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज डॉक्ट्रिन, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन थ्री, द डैश फॉर द फर्स्ट टू विजिट इंडिया फॉर ट्रेड। ऑप्शन इज ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज। सो इन दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पुर्तगीज। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू विजिट इंडिया फॉर ट्रेड। क्वेश्चन थ्री, डैश गेव द ब्रिटिश द फर्स्ट फरमान। ऑप्शन इज अकबर, अशोका, औरंगजेब, हैदर अली। सो क्वेश्चन फोर, राइट ऑप्शन इज औरंगजेब। औरंगजेब गेव द ब्रिटिश द फर्स्ट फरमान। क्वेश्चन फाइव, हैदर अली बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन। ऑप्शन इज 1761, 1775, 1760, 1767। सो क्वेश्चन फाइव राइट ऑप्शन इज 1761। हैदर अली बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। हियर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल आंसर इज फर्स्ट राइट ऑप्शन ट्रेड, सेकंड लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन पुर्तगीज, फोर्थ औरंगजेब एंड फिफ्थ ऑप्शन 1761। सो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन बी, मैच द कॉलम्स। सो फर्स्ट टीपू सुल्तान। सो टीपू सुल्तान वॉज रूलर ऑफ मैसूर। ओके, फर्स्ट सर थॉमस रो, फैक्ट्री एट सूरत, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बैटल ऑफ बक्सर, एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डलहौजी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। आई विल गिव यू नेक्स्ट स्लाइड और ऑल राइट ऑप्शन। ओके, इस स्लाइड से आप इजीली अपने ऑल करेक्ट मैच कॉलम्स को, कॉलम ए को कॉलम बी से सही तरीके से मैच करके लिख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर एस्टेब्लिश्ड टू कंट्रोल इंडियन स्पाइस ट्रेड। सेकेंड, फोर एंग्लो मराठा वार्स वर फॉट बिटवीन द ईयर 1775 टू 1818। थर्ड,
स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध बिकॉज ऑफ मिसगवर्नमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अ यूजफुल टूल इन कंप्लीटिंग द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. फिफ्थ द कर्नाटिक वार्स वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली. सो ऑल फाइव स्टेटमेंट आंसर इज इन दिस स्लाइड. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर एस्टेब्लिश टू कंट्रोल द मार्केट्स एंड इन इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया. ओके सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. थ्री एंग्लो मराठा वार्स फॉट बिटवीन द ईयर्स 1775 टू 1818. थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. लॉर्ड डलहौजी क्लेम्ड मिसगवर्नमेंट अस रीजन फॉर हिज एनेक्सेशन. फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. द कर्नाटिक वार्स वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच. आप इस सारे क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा और आंसर इस स्लाइड से देख के लिख सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी फिलिंग द ब्लैंक्स. सो इस स्लाइड में भी पूरे केवल क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है. तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मराठास स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर पावर आफ्टर द डेथ ऑफ. आंसर इज नाना फडणवीस. ओके सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज द कर्नाटिक वार्स डिस्ट्रॉयड डैश ड्रीम्स इन इंडिया. सो कर्नाटिक वार्स डिस्ट्रॉयड ड्रीम्स फ्रांस. ओके राइट आंसर इज फ्रांस. सो आंसर द कर्नाटिक वार्स डिस्ट्रॉयड फ्रांस ड्रीम्स इन इंडिया. क्वेश्चन थ्री द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. नाउ दिस टाइम चेन्नई. ओके हियर राइट आंसर मद्रास चेन्नई. क्वेश्चन फोर मुगल एम्परर डैश परमिटेड द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड विथआउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज. सो मुगल एम्परर औरंगजेब एंड फरुखशियर. हियर आई मेंशन फरुखशियर एंड औरंगजेब. सो मुगल एम्परर फरुखशियर एंड औरंगजेब परमिटेड द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड विथआउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द इंग्लिश रिसीव्ड जमींदारी राइट्स फॉर बंगाल और 24 परगनास. मुझे उम्मीद है आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर की तरफ. सो नेक्स्ट सेक्शन ई फर्स्ट क्वेश्चन हु वर द फर्स्ट ट्रेडर्स टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया. सो आंसर इज द फर्स्ट ट्रेडर्स टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया वर पोर्तुगीज. क्वेश्चन टू वेयर वर इंग्लिश सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया. सो आंसर इज आंसर टू इंग्लिश सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन इंडिया एट मछलीपट्टनम पटना ढाका बॉम्बे कैलकटा एंड गोविंदपुर. क्वेश्चन थ्री वाई डिड द ब्रिटिश डिफीट द नवाब ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी. सो आंसर थ्री इज वन ऑफ द मेजर केसेस ऑफ दिस डिफीट वॉज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर इन द बैटल. The British had promised to make him the Nawab of Bengal in return for a large amount of money and trading privileges.
आंसर क्वेश्चन फोर, हाउ लॉन्ग वर द मैसूर वॉर्स स्ट्रेच्ड. सो आंसर इज द फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स बिटवीन मैसूर एंड द ब्रिटिश बिटवीन द ईयर 1766 to 1799. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई इज हु इंट्रोड्यूस्ड द सबसाइडरी अलायंसेस अलायंस. तो आंसर इज द सबसाइडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेसली. सो आई होप you all understood all answers very well. Next we proceed next section F. Answer the following questions in 50 to 70 words. So first question is, what was the cases behind the Anglo-Mysore wars? So answer is Haider Ali was the ruler of Mysore between the years 1761 to 1782. During his reign, he did not encourage trade with the British as he had formed an alliance with French. His son Tipu Sultan also did not allow trade with the British. This enmity caused the Anglo-Mysore wars. Second question, how did the two Farmans help British fortune in India? So answer is, the following were the two Farmans help British fortune in India. Farman of 1691 granted by Aurangzeb exempted the British company from paying custom duties in Bengal. Second Farman of the 1717 granted by Emperor Farrukh Siyar exempted the British from paying custom duty in Devon. Okay, so next question 3, what happened during the Anglo-Marathas wars that overturned the luck of the British? So question 3 answer is here. Answer 3, after the death of Nana Fadnavis, who led the first battle against the British, the Marathas started fighting amongst for power. When the British saw this, they took advantage of the situation. So here section F, all question 1, 2, 3, 4, I give you solutions. Okay, question 4, write what you know about the Carnatic Wars. So question 4 answer is here. Question 4 answer, Anglo-French rivalry both in India and in Europe that led to a series of war known as the Carnatic Wars. These wars lasted for almost 20 years. Finally, Britain emerged victorious in this conflict. So, यहाँ आपका सेक्शन F का भी सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वी प्रोसीड सेक्शन G. Answer the following questions in 80 to 100 words. So first question, what were the main cases of conflict between the Nawab of Bengal and the East India Company? So answer is, following
फॉलोइंग वर द मेन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. फर्स्ट द फरमांस ग्रांटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाई द मुगल्स लेड टू रेसेंटमेंट एमोंग द लोकल बंगाल नवाब्स एज द प्रोविंस वॉज लूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. नेक्स्ट द ब्रिटिश वर आल्सो मिसयूजिंग देयर राइट बाई सेलिंग दस्तक अ फ्री पास विच एग्जेम्प्टेड द यूरोपियन ट्रेडर्स. नेक्स्ट द ब्रिटिश रिटेल्टेड एंड कैप्चर्ड कलकत्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूल गवर्नमेंट. सो आंसर इज द बैटल ऑफ बक्सर एस्टेब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल विच गेव द ब्रिटिश द राइट ऑफ निजामत इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड दैट ऑफ डिफेंडिंग द फ्रंटियर्स रिमेंड विद द नवाब हु वॉज पेड एन एनुअल अमाउंट बाई द ब्रिटिश टू मीट द एक्सपेंसेस. This arrangement of dual government was put to an end under Governor General Warren Hastings in 1772. Question 3. How did the Indian rulers lose their independence by signing the subsidiary alliance with the British? So, question 3 answer is, due to following reasons, the Indian rulers lose their independence by signing the subsidiary with the British. According to this alliance, Indian rulers were not allowed to have independent armed forces. Next, they were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces. Next, if the Indian ruler failed to make the payment, then part of their territory would be taken as penalty. So, यहाँ पे आपका हिस्ट्री चैप्टर टू का सभी चैप्टर टू के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कर दिए हैं. मुझे आशा है आपको आंसर लिखने में किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हुई होगी. अगर किसी तरह की असुविधा हुई हो तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.